व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इन अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं योगराज और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव योगराज। जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, यहां पे काफ़ी सारे आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये है दिल्ली का यमुना घाट। यहां पर आप लोग बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग के क्या चार्जेस हैं ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। आप यहाँ तक कैसे आ सकते हो, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, और जो भी डिटेल होगी गाइज आपको इस यमुना घाट की, वो मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यमुना घाट का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है लाल किला एंड कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से गेट नंबर 5 से एग्जिट करके यहां से 50 रुपीज़ में रिक्शा बुक करके मैं चल दिया महाराणा प्रताप ISBT से होते हुए यमुना घाट की तरफ। अंकल जी ने मुझे उतार दिया है रोड के इस तरफ, जहां से मुझे इसको क्रॉस करके जाना है दूसरी तरफ। ये है निगमबोध शमशान घाट। शमशान घाट से वॉक करते करते मैं पहुँच चुका हूँ संत परमानंद हॉस्पिटल। इस जगह का नाम है यमुना बाजार दिल्ली 6। यहाँ से जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे सामने की तरफ आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ के हमें ऊपर जाना है। ये है घाट नंबर 24। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे घाट हैं। घाट से जब आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है यमुना घाट की तरफ। यहाँ से छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम जाएंगे घाट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोग बैठे हुए हैं, फूल माला वगैरह बना रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं इन लोगों के, जो ये रहते हैं, शॉप्स हैं अपनी इनकी। और अब हम चल रहे हैं घाट की तरफ। तो सामने आप देख सकते हो आपको यमुना जी दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। तो वेलकम टू यमुना घाट, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होती हैं। इस वाली बोट में बैठ करके मैं आ चुका हूँ अभी यमुना जी पार करके यहाँ पर इस मैदान में। ये यमुना जी का पुल है, जहाँ पे अभी पुराना पुल भी है और नया पुल भी तैयार हो रहा है। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए तो इस पुल के पास ना जाएँ, वहाँ पर थोड़ा सा फ़ोन या पैसे वैसे ऐसा कुछ छीन लेते हैं। तो बेटर होगा कि आप वहां ना जाएं, यहीं तक रहें थोड़ा दूर तक, और यहीं पे आप घूमें। ये देखिए जितना सारा एरिया है। लोहे वाला पुल बैक साइड में छोड़ के मैं जा रहा हूं आगे की तरफ, क्योंकि भाई पता नहीं है वहां कोई फ़ोन वोन छीन ले मेरा क्या हो जाए। तो बेटर है कि मैं इधर ही घूमूंगा आराम से, और अपना अभी सनसेट होगा उसके बाद दोबारा बोटिंग करेंगे, पार करके चलेंगे उधर। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लाइक चूड़ी शीशा वगैरह ऐसा कुछ। तो मैंने अभी बोट वाले भैया से पूछा था, यहाँ पर थोड़ा जादू टोना भी किया जाता है, तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो भाई उससे प्लीज दूर रहें। अभी मैंने भैया फिल्म हाल ही में शूट कराई है, जमुना पार, अभी आएगी देखना। उसके अंदर मेरे बोट में ना नमकीन डालते शॉट है। ये घाट हमारा भाई आज का नहीं, हमारा राजा महाराजों का टाइम का है, और दिल्ली 6 के अंदर घाट आता है। ये अंग्रेजों के टाइम के घाट है हमारे, ये बहुत पुराने घाट है हमारे। यहाँ पे प्री वेडिंग शूट, मॉडल शूट, डांस वीडियो, म्यूजिक वीडियो सब होता है। कुछ भी शूट मेरे से करवा लो, सारे शूट करवाता हूँ। फोटोग्राफर को साथ में रहकर शूट कराता हूँ। फोटोग्राफर जानते मुझे क्या कहते हैं, कहते गणेश भाई हमारे साथ चलो काम करने के लिए। पैसे की यार, पैसे तो मुझे भरपूर देके जाते हैं, पैसे की बात ही मत करो मेरे से कि मैं क्या लेता हूँ क्या नहीं लेता। मैं 500 भी देते, 1000 भी दे देते, जैसे मतलब देख आते ना बंदे हिसाब से दे देते मेरे को। वो कहते भाई तुम चलो, तुम्हारे साथ चलना। एक रीजन ये भी है। इस घाट के बारे में दो चीज़ें बताओ, एक अच्छी और एक खराब। भाई एक अच्छी क्या बताऊँगा, अच्छी तो यही चीज़ है, ये सीगल आते हैं हमारे, इनको नमकीन समकीन खिलाते हैं, इंजॉय होता है। पूरा खाली है जगह दिल्ली 6 के अंदर। एक खाने पीने का भी कुछ मंगाओ तो पुराने दिल्ली से 1 किलोमीटर है, 10 मिनट में आप लिया होगा यहाँ पर ये। और यहाँ पर एक घूमने फिरने का, बच्चों का पिकनिक, और दूसरा यहाँ ब्लैक मैजिक भी होता है एक, ये भी ये देखा होगा आपने यहाँ पर। हाँ तो वो भी लोग करने आते हैं यहाँ पर। कभी भी आओ तो मुझे कॉल कर देना, नंबर बता देता हूँ अपना मैं, 9810713959 एक कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कर लेना। भैया की वीडियो देख के कम लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। भैया की वीडियो देख के आओगे तो ऐसा भैया को नाराज नहीं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब भी आए यहाँ पर यमुना घाट पे बोटिंग करने के लिए, तो आप देख सकते हो ये नमकीन है, इसे लेकर के आप आइए और इनको खिलाइए। इनको खिलाएंगे तो ये आपके पास आएंगे, इनको बुलाना पड़ता है लाइक ऐसे आओ। अगर ऐसे नमकीन लेकर आओगे आप और यहाँ पर फेंकोगे तो ये आपके पास आ जाएंगे, जिससे आप अपनी फोटोज वगैरह बहुत अच्छी अच्छी ले सकते हो। शाम के 5:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हो अभी सनसेट हो चुका है। यहाँ से जो आप अभी धुआं निकलता हुआ देख रहे हो ये है शमशान घाट, एंड इधर वाली साइड में ये सारा है आपका यमुना घाट, घाट नंबर 24। सारे पक्षी जो है वो एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो सामने।
और अभी हम बुला रहे हैं अपने बोट वाले को और उसके बाद हम लगाएंगे पूरा इसका एक राउंड। सो बोट आ चुकी है अपनी और अब बोट पर बैठ के हम लोग चलेंगे ये वाला टेम्पल देखने के लिए। बहुत गजब 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 आ रहा है। ₹5 सवारी मोटी हो या भारी। मैंने उन्हें देखा भी नहीं, मैं तो कहीं और का डायलॉग है ये वो बता रहा हूँ। सो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि बोटिंग के चार्जेस क्या रहेंगे यहाँ पर। अगर आप नॉर्मल यहाँ पे बोटिंग करते हो यानी कि आप आते हो और नॉर्मल पार करके जाते हो तो रहेगा आपका ₹50 पर पर्सन। और अगर आप थोड़ा सा राउंड लेते हो, ज़्यादा देर तक फोटोज़ वगैरह आपने क्लिक कराते हो तो आपका रहेगा ₹100 पर पर्सन के हिसाब से। भाई का नाम है अभिनंदन और मैं इनका नंबर और डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप आइए और इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको साथ में नमकीन फेंकिए, थोड़ा सा पक्षियों को खिलाइए और मज़े लीजिए। एंड गाइज ये देख सकते हो, ये है शमशान घाट, यमुना घाट के पास में निगम बोध शमशान घाट, और इसी शमशान घाट के सामने है ये वाला मंदिर। ये है मंदिर श्री बाबा बालकनाथ जी का। तो गाइज अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे घूमने के लिए यमुना घाट पर, तो आप यहाँ मंदिर पर भी आ सकते हो। और इस मंदिर के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ये कितना पुराना है, अगर आप में से किसी को पता है कि ये कितने साल पुराना है तो कमेंट करके बता सकते हो आप। अब तक आपने सभी वीडियोज़ में अगर देखा होगा तो वो लोग आपको दिखाते हैं यमुना जी की खूबसूरती कि कितना अच्छा है। अच्छा है बट दूसरी साइड भी एक होती है हर एक चीज़ की, तो वो देखिए यहाँ पे जितना खूबसूरत जितना अच्छा है उतना ही यहाँ पे गंदगी भी फैली हुई है। यहाँ देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे स्मेल वगैरह भी आ रही है। यहाँ देखो आप कितना ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है। तो एक तरफ अगर अच्छा है तो दूसरी तरफ उतना ही बेकार भी है। यहाँ पर देख सकते हो अभी क्या हाल है, और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए सामने की तरफ बोटिंग हो रही है एंड बोटिंग के बैक साइड इधर वाली साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर ये हाल हो रहा है। तो मेरा नाम अभिनंदन है और मैं घाट नंबर 21 पे मिलता हूँ, और मेरा बोटिंग का प्राइस ₹50 रहता है। एनी टाइम कभी भी आओ, सुबह आओ या शाम आओ, मेरा फिक्स प्राइस है। और मेरा मोबाइल नंबर 7428998040। और कभी आना तो मेरी बोट को याद रखना और मेरा घाट याद रखना भी, या मेरे को याद रखना। सो गाइस फाइनली बोटिंग करके आ गया हूँ मैं किनारे पर। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को हमारी यमुना घाट की ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।